यह है पाकिस्तान का काला सच, जहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है, एक किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में पहले हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए और अब पाकिस्तान में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हिंदू बेटियों को जबरन उठाकर उनके साथ धर्म परिवर्तन किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर महीने करीब 1000 हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले एक हिंदू से सुनिए उसी की जुबानी की किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान बन गया है हिंदुओं के लिए नरकिस्तान। सबसे पहले आप एक पूरा वीडियो देखिए। मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए। वो इसलिए रह गए कि ट्रेनें और ऑक्सीजन बंद कर दी गई। जो भी हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, मगर हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना, हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13,000 से 14,000 लड़कियों का मजहब बदला गया है। दो दिन पहले एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं हैं कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डाले। हमारा मकसद ये नहीं, हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़, ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। कोई कहता है 10,000 हैं, कोई कहता है 1,00,000 हैं, मगर बहुत हैं लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन एक एक दो दो साल से पड़ी हुई है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ माइग्रेट होना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिली। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके उसको अगवा करके उसका मजहब बदल गया। ऐसे किस्से बहुत हैं सर, हम लोग मजबूर हैं। हमारी लड़कियों को से कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं, हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। सर, आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता, वो भी तो रोती ना सर। प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, आप बॉर्डर खोल दीजिए, थरपारकर का, खोखरा पार का, जो गरीब जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता उसको आने दें। ये बेचारों की हालत ऐसी है, जब इनकी बेटियां अगवा हो जाती हैं तो ये लॉयर की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते सर। इनको अपनी झोपड़ी बेचनी पड़ती है, इन बेचारों को झोपड़ी बेचने के बाद भी, लड़की के कहने के बाद भी कोर्ट में कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया, हमारा मजहब बदला गया, जज साहब हमें अपने माँ बाप के पास भेजिए। नहीं भेजते हैं सर ये लोग, क्यों नहीं भेजते हैं, शायद हम हिंदू हैं। मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग जो उधर हैं गुस्से में आके अपने मुसलमान भाइयों को तंग करें, नहीं, ये मेरा मकसद ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो जिधर है उसको वो उधर ही रहना चाहिए, मगर हम मजबूर हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है,
हमारे बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी माएं रोती, हम करें क्या, कहां जाएं, किससे शिकायत करें सर, किससे शिकायत करें। अगर 47 में मैं शशि थरूर जी को कहता हूं, मैं मनी शंकर अय्यर जी को कहता हूं, मैं दिग्विजय सिंह को कहता हूं, सर अगर आपकी फैमिली 47 से पहले पाकिस्तान में इस सिंध के पार में रह रही होती, आज अगर उनकी ऐसी हालत होती जैसी हमारी बहनों की और बेटियों की है, तो आप क्या करते सर? छोड़ो सर, हमारा क्या वास्ता CAA से, हमारा क्या वास्ता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से? प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमारी हेल्प कीजिए। देखिए सर, हमारे सिंधी भाई पूरे इंडिया में रहते हैं, किसी ने आपको तकलीफ नहीं दी। गांधीनगर में LK आडवाणी भी रहता है, गांधीनगर में आप तो अमित शाह जी, मोदी जी, आप तो गुजरात से हैं, आपको पता है कभी किसी सिंधी ने कोई गलत काम नहीं किया। प्लीज़ बॉर्डर खोल दीजिए हमें, या वीज़ा दे दीजिए एम्बेसी को, करें कि हम लोगों की बच्चियों की भी, हमारे लोगों की, हमारी बच्चियों की वीज़ा को क्विक प्रोसेस करें। थैंक यू।